आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज डॉक्टर सुबह हुसैन आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओट्स Uh, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ओट्स क्या है इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं अगर कोई uh, डेली बेस के ऊपर इसको यूज़ कर रहा है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं वेट गेन जर्नी में या वेट लॉस जर्नी में वो किस तरह से आपको आपके लिए हेल्पफुल है क्या उसके बेनिफिट्स हैं या क्या उसके नुकसान ना आते हैं क्योंकि ओट्स एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली बेस के ऊपर आज जो लोग हैं या मेरे जो क्लाइंट्स हैं या इन जनरल हम अपनी डाइट रूटीन में उसको बहुत कॉमन यूज़ कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में या कोई अगर आप लंच वगैरह है या कोई स्नैकिंग करते हैं तो एज ए उस ओट्स जो तो एज ए स्नैकिंग भी बहुत ज़्यादा यूज होने हो रहा है सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ओट्स है क्या ओट्स बेसिकली डाइट्री फाइबर्स हैं जिसके अंदर वाइटमिनस हैं मिनरल्स हैं रिच इन असोल्यूबल फाइबर है वाइटामिन बी है, uh, है, है जो कि आप ऐसी एक खुराक है जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी ले सकते हैं वेट गेन जर्नी में भी ले सकते हैं आपको एक बैलेंसड uh, अगर आपकी डाइट है तो उसके अंदर आप उसको एज ए ब्रेकफास्ट एज ए न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं उसके साथ आप अपनी कोई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या एडिशन में आप उसके साथ क्रीम जैसे हम ड्रेसिंग uh, वगैरह कर लेते हैं वो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अब जबकि ओट्स जो हैं वो रिच इन फाइबर हैं तो उस ऑब्वियसली जो आपकी गट हेल्थ है या आपके जो स्टमक है उसके ऊपर उसके बहुत बेनिफिट रिजल्ट्स uh, भी हैं ओट्स जो हैं वो आप इंस्टेंट ओट्स भी हैं बेड ओट्स भी हैं फिर उसके अलावा आप प्रोटीन बार्स ग्रेनोला जो आप यूज़ करते हैं उसकी फॉर्म में भी आपको ओट्स मिल जाता है अगर कोई बंदा जिम कर रहा है या कोई अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर है तो वो एज ए आपको एक इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी आप जो है ओट बार्स जो यूज़ करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशल है अब फर्दर जब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं तो कुछ प्रोज भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं ऑब्वियसली अगर एक चीज़ आपको बेनिफिट दे रही है लेकिन अगर उसको आप एक्सट्रीम डेली रेगुलर बेस के ऊपर अगर उसको आप यूज़ करें तो कहीं ना कहीं जाके उसके कोई साइड इफेक्ट नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी आपकी हेल्थ के ऊपर आते हैं Uh, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम उसको डेली बेस के ऊपर रेगुलरली अपने ब्रेकफास्ट में या डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं फायदों में सबसे पहले हमारे पास आता है कि एक तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया वगैरह है तो उसके ऊपर क्योंकि ये सोल्यूबल फाइबर इसके अंदर है रिच अमाउंट ऑफ uh, है तो उसमें यह होता है कि आपकी गट हेल्थ के ऊपर इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हैं एंड सेकेंडली इफ़ यू आर हैविंग एनी हार्ट डिजीज कोई हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का मसला है तो इसके अंदर जो हमारे पास ओट्स हैं उसके अंदर हमारे पास होता है बीटा ग्लूकैन जो कि आपके बेसिकली uh, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लोअर करने में हेल्पफुल होता है फिर आ जाता है अगर आप डायबिटिक हैं ब्लड uh, शुगर लेवल जो आपका हाई रहता है तो क्योंकि जो ओट्स हैं उसके अंदर हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नेचुरली ही बहुत लो होता है तो इट विल गोना हेल्प यू टू लोअर डाउन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल थर्डली हमारे पास आ जाता है कि अगर किसी भी किस्म की आपको न्यूट्रिशनल uh, वैल्यू या आप कहते हो कि मुझे न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है तो ओट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर विटामिन बी है माइनर न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं जो आपको इंस्टेंट एक एनर्जी देते हैं जिससे आपकी जो इंस्टेंट न्यूट्रियस की जो कमी है वो फुलफ़िल होती है लास्टली कि आपको अगर वेट लॉस जर्नी में हो आप और आप कहते हो कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे एक सटाइटी फुल ऑफ स्टमक की जो है आपको फीलिंग दे तो ओट्स बहुत उसके लिए एक जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपने ओट्स लिया हुआ है आपके आपको हाई फॉर्म ऑफ फाइबर मिल रही है तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि आपने एक हाई कैलोरी डेंस जो है वो एक मील इनटेक कर लिया जिससे ऑटोमेटिकली आपको जो है वो एक सटाइटी जो आपकी फुलनेस है उसकी एक फीलिंग आती है अब जो हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है वो आती है कॉर्नस के अगर आप रेगुलर uh, बेस के ऊपर ओट्स ले रहे हो तो उसके नुसाना क्या हो सकते हैं या आपके हेल्थ के ऊपर उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं तो उसमें हमारे पास दो मेजर जो इफेक्ट है वो ये आते हैं कि एक तो अगर आप ग्लूटेन इनटॉलरेंट हो या आपको सिलिय डिज़ीज़ है या इस तरह की कोई डिजीज़ है तो उसमें ये सजेस्ट किया जाता है क्योंकि जो ओट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं उसके अंदर हम क्रीम की टॉपिंग कर लेते हैं या फ्रूट्स की टॉपिंग कर लेते हैं या उसको हम इतना बेक कर लेते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो हमारे पास शुगर लेवल है वो हाई हो जाए जाता है या उसके अंदर जो ग्लूटिन लेवल है वो हाई होता है तो उसमें सजेस्ट ये किया जाता है कि गो फॉर ग्लूटेन फ्री फ्री ओट्स गो फॉर ग्लूटेन फ्री ओट्स ताकि उसमें ये है कि आपको कोई अगर इस तरह की स्टमक इश्यूज़ हैं या सीलिक डिजीज है तो वो आप उसको ओवरकम कर सको से सेकेंडली ओट्स कंटेन साइटिक एसिड साइटिक एसिड एक ऐसी चीज है जो आपको आपके बॉडी के अंदर एक आयरन और जिंक की जो मिनरल है उसके एबजॉर्बशन को इनहिबिट करता है ओट्स के अंदर साइटिक एसिड होने की वजह से अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है अगर आप बाकी डाइट से अपनी आयरन और मिनरल की या फाइबर की इनटेक पूरी नहीं कर रहे हो और खाली आप ओट्स से कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि साइटिक एसिड हो सकता है कि आपकी आयरन और जिंक की जो एब्जॉर्बशन है आपकी बॉडी के अंदर वो इनहिबिट कर दे और उससे ये होगा कि आप एनीमिया या इस तरह की मसल मसल पेन वगैरह के शिकार हो सकते हैं सो मेक श्योर कि अगर आप अपनी डेली रूटीन के अंदर ओट्स को ऐड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप उसे खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आपके ऊपर ना आए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझे किसी, किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक हो सकती है और आप फिजिकल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए आज ही ओलाडॉक एप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी ऐसी